आपका हमारे YouTube चैनल गांव गली की गोद से में स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर गांव है शहरों से अलग। नमस्कार दोस्तों, मैं टीकाराम झारी आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव गली की गोद से। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है कि हरिद्वार उत्तराखंड में महाकुंभ 2021 लगा हुआ है। हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार महाकुंभ और दिखाते हैं वहां का शाही स्नान जो कि 11 मार्च को शिवरात्रि के महापर्व पर हुआ है। तो वहां पर सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने शाही स्नान किया। कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने शाही स्नान किया। वहाँ पर शाही पेशवाही भी निकाली गई। हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि वहाँ के जो शाही स्नान है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं आपको हरिद्वार और देखते हैं वीडियो। मित्रों, हम चल रहे हैं हरिद्वार की ओर। हमारे यहाँ से हरिद्वार लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ और कई शहरों को पार करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं हरिद्वार नगर की ओर। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार महाकुंभ में। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं दिखाता हूं आज की शाही स्नान जो कि शिवरात्रि के महापर्व पर पड़ रहा है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। हरिद्वार की दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंगों के माध्यम से वहाँ की लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ की दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनाई गई हैं। भागीरथी घाट, यह घाट हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट से लगा हुआ है। यह है हरिद्वार का मुख्य घाट हर की पौड़ी घाट। ज्यादातर श्रद्धालु भक्तजन इसी घाट पर स्नान करते हैं और इसी घाट पर ही साधु संतों का शाही स्नान भी होता है। हर की पौड़ी घाट से कुछ ही दूर पर पहाड़ों पर स्थित है मां मनसा देवी मंदिर। शाम होते ही हर की पौड़ी घाट का दृश्य और भी सुंदर और मनमोहक हो जाता है जो यहां आने वाले यात्रियों का मन मोह लेते हैं। माँ गंगा की कलकल करती धारा यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। श्री हरि के चरणों से प्रकटी देव लोक में खेली करें खिलोले शिव की जटाओं में गंगा अलबेली। शाम को माँ गंगा की महाआरती की जाती है जिसमें बाहर से आए हुए लाखों हजारों श्रद्धालु भक्तजन भाग लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेशवाई की ओर जिसमें साधु संत रथ पर सवार होकर स्नान करने घाट की ओर जाते हैं और नगर भ्रमण करते हुए साधु संत घाट की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे साधु संतों के जो अखाड़ा होता है उनके धर्म ध्वज चलता है और उसके पीछे पीछे साधु संत
अपने रथ पर सवार होकर स्नान करने के लिए जाते हैं। पूरी हरिद्वार नगरी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। चारों तरफ बस हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पौड़ी निकलने के बाद हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर साधु संतों का होता है शाही स्नान। प्रकटी देव लोक में खेली करे खिलोले शिव की जटाओं में गंगा अलबेली। श्री हरि के चरणों से प्रकटी देव लोक में खेली करे खिलोले शिव की जटा। शाही स्नान के बाद आप बढ़ते हैं मेले की ओर। मेले के अंदर आपको काफी भीड़ देखने को मिल जाएगी। मेले से आप कई तरह की सामग्रियां खरीद सकते हैं, जैसे आभूषण, बर्तन, कपड़े, जैसे कई सामग्रियां खरीद सकते हैं। तो मित्रों, यह थी हमारी हरिद्वार यात्रा। आप सभी को हर हर गंगे, हर हर महादेव। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है मित्रों, अब हम अगली बार मिलेंगे एक नई जगह पर।